दोस्तों, तो अगला प्रोफाइल है टू और मोर कनेक्टेड बॉडीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है। इस वाले फैक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इस प्रोफाइल के सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी क्या प्रोफाइल है। हमारे पास दो होलोस्फीयर है, ठीक है। ये दोनों होलोस्फीयर है इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ दोनों का मास है m और दोनों का रेडियस है r, ठीक है। नाउ ये है हमारा एक्सिस, ठीक है। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, दोनों बॉडी को इंडिविजुअली अलग अलग ट्रीट करो। तो मान लो ये वाला बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आता है I1, और ये वाला बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट आता है I2। सो I1 में क्या लिख सकता हूं? ओके, I1 निकालने के बारे में सोचते हैं पहले। तो मैं अगर पहला बॉडी के बारे में सोचूं, तो पहले वाले बॉडी के रेस्पेक्ट में जो हमारा एक्सिस है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मान लो IC। और IC तो हम डायरेक्टली जानते हैं होलोस्फीयर है, तो 2/3 mr² आएगा। तो एक्सिस जब मेरा ये वाला है तो मैं लिख सकता हूं I1 equals to IC plus mr², and that will simply come out to be equals to 5/3 mr². और अब अगर मैं दूसरा वाला बॉडी के बारे में सोचूं तो I2 ध्यान देना इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज 3r, ये 2r और ये r, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 3r। अच्छा, इसका भी IC तो सेम ही आएगा, इसका भी IC तो सेम ही आएगा, और ये है मेरा I2, IC तो मेरा 2/3 mr² ही है, ये वाला डिस्टेंस डिफरेंट है दैट इज 3r। तो I2 जो है दैट इज IC प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर, सो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2/3 mr² प्लस 9 mr², तो दैट इज 29/3 mr². ये हमारा I2 हो जाएगा। एंड नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शियास को ऐड तो कर सकता हूं। सो आई विल बी इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, मैं डायरेक्टली अगर ऐड करूंगा सो दैट विल कम आउट टू बी, इफ वी सी दिस विल कम आउट टू बी 34/3 mr². सो टू और मोर कनेक्टेड बॉडीज के लिए हमें घबराने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, हमें बस एक काम करना है, उस एक्सिस के अबाउट दोनों बॉडी का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है
और उसके बाद दोनों को साथ में जोड़ देना है, बस इतना ही काम हमें करना है, राइट। सो अगर क्वेश्चन लिया जाए और एक, लेट्स सी, हमारे पास एक रॉड है, थोड़ा सा ट्विक करता हूं मैं, चलो हमारे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है 2R, ठीक है, और एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और ये वाला सॉलिड स्फीयर का रेडियस है R, दोनों का मास जो है वो हमारा इक्वल है m और n। नाउ ये है हमारा एक्सिस, एक्सिस का ओरिएंटेशन ऐसे ही रखना है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में ऐसे। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो किस तरीके से निकालेंगे? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लो, दोस्तों ये तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, अबाउट द एंड है तो 1/3 एम एल स्क्वायर, एम जो है वो है 2R, तो I1 जो है दैट इज 4/3 एम आर स्क्वायर, राइट। नाउ नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर, अब सॉलिड स्फीयर के रेस्पेक्ट में अगर मैं ध्यान दूं, ये हमारा सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, एक्सिस जो है ये R और 2R, टोटल 3R की दूरी पे है, ठीक है। अब मैं सॉलिड स्फीयर में सेम ओरिएंटेशन में इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस ले लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IC, और इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लो I2। अच्छा, IC तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। एक काम करोगे, थोड़ा सा चेंज कर लो ना प्लीज, मेरे कैलकुलेशन करने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसको होलोस्फीयर ले लो, ठीक है, कम से कम 3-3 नीचे कॉमन रहेगा, मेरा मूड बिल्कुल नहीं है। तो ये है 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लेता हूं, ऐसे मैं पहले से देख के नहीं रखता हूं, तो ठीक है, मेथड तो ये मैं सीखना है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। एंड नाउ I2 जो आएगा दैट विल बी IC प्लस एम इंटू 3R का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस 9 एम आर स्क्वायर। सो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2 अगर मैं करता हूं तो इन दोनों को ऐड कर दो, यहां पे 6/3 आएगा, दैट्स वेरी गुड, बढ़िया हुआ, 6/3 2 है, 2, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा 11 एम आर स्क्वायर। सर दोनों तो सेम ही क्वेश्चन था, तो ये वाला वापस क्यों करवाए? मेरे एक चीज करने का मन कर रहा है अभी, क्या इस क्वेश्चन में फाइंड मेरा जो एक्सिस है वो इस लाइन पे कहीं पर भी हो सकता है, ये वाला लाइन के अलोंग मैं एक्सिस को कहीं पर भी मूव करा सकता हूं विदाउट चेंजिंग द ओरिएंटेशन, ठीक है। तो फाइंड मिनिमम
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम। हाँ, ओरिएंटेशन नहीं बदल सकता हूं, तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा है तो क्यों पूछा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ठीक है? ये हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला है। सो अगर मैं सिस्टम को बनाता हूं और यहां पर मैं x इक्वल्स टू जीरो मान लेता हूं, सो इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली इसके मिड पॉइंट पे है, वो डिस्टेंस है r, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो है हमारा r। बट दोनों का मास अगर इक्वल है, एक माइनस r पे है ये r पे है, ऑब्वियस सी बात है जो फाइनल सेंटर ऑफ मास आएगा वो x इक्वल्स टू जीरो पे ही आने वाला है ऑब्वियसली। तो फाइनल सेंटर ऑफ मास x इक्वल्स टू जीरो पर है, तो ये एक्सिस के अबाउट हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। सो दोस्तों, जो हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, देखो इस रॉड के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक एंड से दूसरे एंड पे आ गया है, राइट? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 4/3 एम आर स्क्वायर ही होने वाला है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है इस पे फर्क पड़ेगा, इसके लिए वापस मैं आईसी लिखूंगा, वो लिखूंगा 2/3 एम आर स्क्वायर, बट उसके बाद मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर। सो इफ आई एड द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू 3 एम आर स्क्वायर, इससे कम हो ही नहीं सकता है, और ये मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट आने वाला है, राइट? एंड दिस इज बेसिकली आईसी सिस्टम। ओके, तो क्वेश्चन को ऐसे घुमाव के साथ भी पूछा जा सकता है, खैर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो लास्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोफाइल, लेट्स सी। हमारा दो रिंग है, ठीक है, ये रिंग हमारा बोर्ड के प्लेन में है, और इसके दूसरे एंड पे जो रिंग है ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। ठीक है, ये रिंग इसके परपेंडिकुलर प्लेन में है, मास है m, इसका रेडियस है r, इसका भी मास है m और रेडियस है r। The two rings are in mutually perpendicular plane. Now, ये है हमारा एक्सिस, इस बोर्ड के प्लेन में इस तरीके से है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन, जो एक्सिस हमारा दिया हुआ है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। राइट। अच्छा, इसमें तीन भी कर सकता था, और इसमें और क्या वेरिएशन लाया जा सकता है? चौथ, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन पे है, जेड एक्स प्लेन पे और एक रिंग डाल दे, कुछ भी किया सकता है, वो तो लॉट ऑफ वेरिएशंस आर पॉसिबल, ठीक है, उसमें दिमाग नहीं लगानी है। पहले दो के लिए देख लो, तीसरे के लिए भी हम बाद में निकाल ही लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है सच। ओके, लेट्स सी,
ये वाले रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है मान लो, और ये वाले का है आई टू। आई वन और आई टू को मुझे ऐड करना है। सो फॉर आई वन व्हाट इज द सिनेरियो, फॉर आई वन व्हाट इज द सिनेरियो, देखो इस एक्सिस के अबाउट आई वन है ना, इसके लिए तो ये वाला एक्सिस जो है, ये एक्सिस हमारा लग नहीं रहा है सेंटर ऑफ मास, चलो हम ले लेते हैं तो ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा बेसिकली क्या है, एक डायमीटर एक्सिस है, और रिंग के लिए डायमीटर एक्सिस के अबाउट आईसी का वैल्यू तो हम जानते हैं, इट कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाय टू। और ये वाला जो डिस्टेंस है दोस्तों, ये डिस्टेंस है आर। सो आई वन इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम आर स्क्वायर, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, and that will simply come out to be equals to 3 by 2 mr square. This will come out to be simply equals to 3 by 2 mr square. Ye hamara I1 ka value hai. Now, for I2, what will be the scenario? अच्छा, I2 के लिए ये एक्सिस जो है, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस ध्यान दो, ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस है, मतलब इसका अगर मैं साइड व्यू लू, इसका साइड व्यू कुछ इस प्रकार का होगा, ये हमारा रिंग है, यहां पर है एक्सिस I2 और यहां पर है मेरा IC, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम ध्यान दें, दिस इज आर, दिस इज 2R, सो ये डिस्टेंस जो है वो है हमारा 3R। एक्सिस बोर्ड के अंदर बाहर है, ये इसका साइड व्यू है नीचे वाले के लिए, राइट। सो यहां पर IC जो आएगा वो आएगा सिंपली MR स्क्वायर, तो M I2 जो आएगा दैट विल बी m इंटू 3R स्क्वायर, तो दैट विल बी 10 mR स्क्वायर, ये हमारा I2 आएगा। सो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, सो I विल सिंपली कम आउट टू बी, दोनों का एडिशन 11.5 mR स्क्वायर। तो उम्मीद है हमें यह समझ में आ गया होगा जो हम लोग टू या मोर कनेक्टेड बॉडीज में किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके?